केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। डोकलाम विवाद के वक्त राहुल गांधी कहां थे? राहुल जी क्या चीन के अधिकारियों के साथ थे? यह सवाल उठाया है अनुराग ठाकुर ने। चीनी दूतावास से फंडिंग पर राहुल गांधी की चुप्पी पर वो सवाल उठा रहे हैं। अपनी ही सेना पर वो सवाल खड़े करते हैं, ये कहते हुए घेराव किया है राहुल गांधी का अनुराग ठाकुर ने। सुनिए, मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं,